अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जबरदस्त सी चाइनीज रेसिपी, जिसमें हमारे पास है एग वेजिटेबल फ्राइड राइस और साथ में चिकन मंचूरियन। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखें और देखें कितने मजेदार हमारे ये राइस और हमारा मंचूरियन जो है वो रेडी हुआ है। कितना जबरदस्त इसका कलर आया है, कितना जबरदस्त ये लग रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए एंड वेलकम टू माय नवी वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने चिकन ब्रेस्ट को जो है वो काट लेते हैं। हमने इसको क्यूब्स में जो है वो कट करना है। ये 2 लार्ज मैंने ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको मैं इधर बोल में डाल लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे जी 1 अंडा फेंट, ठीक हो गया, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे रेगुलर सॉल्ट, वाइट पेपर जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून के करीब, चिली फ्लेक्स जाएंगे इसमें 1/2 टीस्पून के करीब। अगर आपको कम या ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। 1 चिकन क्यूब या 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चाइनीज़ सॉल्ट। आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं इसमें, और चाइनीज सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें रेड चिली डालूंगी और इसको हम जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स कर लिए हमने, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जो है वो वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। इस सोया सॉस से ही जो है वो इसका टेस्ट आता है चाइनीज़ का। और 1 टेबलस्पून हम इसमें फ़िलहाल डालेंगे हॉट सॉस का। ये मिक्स हो चुका है, अभी हम इसको 15-20 मिनट्स के लिए इसको हम रख देते हैं साइड पे और फिर उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कुकिंग का। ये वेजीज जो है मैंने काट लिया, आप कोई भी वेजीज ले सकते हैं। मैंने प्याज लिया है, प्याज को इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है, अलग कर लिया है। मैंने सबस गोल मिर्च ली है और 1 टमाटर लिया है। आप चाहें तो और भी कोई वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे गाजर हो गई, और मतलब आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये कट करके रख लिया है। तो चलें पहले इनको स्टर फ्राई करते हैं, उसके बाद जो है हम अपना चिकन जो है वो उसको फ्राई करेंगे। तो पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, ठीक है। और इसमें अब हम अपनी वेजीज को स्टर फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। सारी वेजीज हम डाल देते हैं और इन स्टर फ्राई करने से ये होता है ना कि इनका टेस्ट जो है वो और कमाल का आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है इनका। हमने इनको बहुत नहीं पकाना, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है, बहुत हल्का सा, ताकि बस हमने इसमें टेस्ट लाना है, पकाना नहीं है इसको। तो बस ये रेडी हो गया, अब हम इनको इस प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम अपना मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसमें डाल लेते हैं और इसको हम फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा मसाला इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हम इसको तेज आंच पे करेंगे। ये देखें जो चिकन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसको हम जो है वो अब निकाल लेते हैं, साइड पे निकाल लेते हैं और अपनी जो ग्रेवी है उसको रेडी करते हैं। अपने देचके में हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं वन टेबल स्पून के करीब। हम इसमें लहसुन को वो शामिल करेंगे। लहसुन जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो गार्लिक पेस्ट डालेंगे।
अदरक सॉरी जिंजर पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, 1 कप के करीब हम इसमें जो है वो केचप का डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी चिली सॉस, हॉट सॉस इसको कहते हैं, 2 टेबल स्पून जो इसमें जाएगा सोया सॉस, सोया सॉस इस रेसिपी की जान है, वो जाएगा इसमें, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी वाइट विनेगर, सिरका डालेंगे, क्रश चिली 1/2 टीस्पून, या अपने आपको अगर जिस तरह से पसंद हो, अगर ज़्यादा आपने तीखा खाना है तो तीखा आप कर सकते हैं, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजीनोमोटो, जिसको चाइनीज सॉल्ट कहा जाता है, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला है तो इसलिए हम कम डालेंगे, और ये 1 टीस्पून के करीब या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें सॉल्ट जो है वो शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी वाइट पेपर, वो भी अपने सामने ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। इसके बाद हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चीनी का, जो 1 चम्मच हम इसमें चीनी की शामिल करेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखें जो ग्रेवी हमारी है वो रेडी हो रही है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा आप सॉल्ट चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा हो तो आप डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा सा मैं सॉल्ट जो है वो इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करी हूँ 1 कप के करीब, मैं वो उसी बॉल में जिसमें हमने केचप डाली थी उसी में हम इसको इसमें पानी डालते हैं उसी से, ताकि केचप भी सारी हमारी उतर है और पानी भी इसमें डल जाए, ये हम डाल देंगे इसमें। अब बारी है हमारे चिकन की, जिसको हमने फ्राई कर लिया था, इसमें ज़बरदस्त चिकन जो है हमारा वो रेडी हुआ है, और इसके बाद हम अपनी वेजीज जो हैं जो हमने स्टर फ्राई की थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारा रेडी हुआ है। 1 टेबल स्पून के करीब हमने कॉर्न फ्लावर जो है वो लिया है, और उसको हम पानी में मिक्स करके इसमें डालेंगे, ताकि जिस जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हमें उसकी थिकनेस जो है वो थिक करनी है। तो चलिए इसको डालते हैं बिस्मिल्लाह। तो ये हमारी मंचूरियन जो है वो रेडी हो चुकी है, तो इसको हम साइड पे करते हैं, और अब हम अपने फ्राइड राइस जो है वो बना। ये 2 अंडे हमने लिए हैं, जिसमें हमने नमक और काली मिर्च डाल के इनको हम अच्छे से फेंट लेते हैं, ठीक हो गया। पैन में हमने ऑयल डाल लिया है, तो अब हम अपने अंडे जो हैं वो इसमें डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये एग को हम स्क्रैम्बल्ड कर लेते हैं, ऐसे हम अच्छे से इसको जो है वो पका देंगे, और इसमें हम 1 कप जो है वो फ्रोजन मिक्स वेजीज का डाल देंगे, ये ज़रा अच्छी लगती है इसमें, तो ये हम 1 कप के करीब इसमें ये भी शामिल करेंगे। इसके साथ 1 टेबल स्पून के करीब हम 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ब्लैक पेपर का शामिल करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ है तो इसमें ब्लैक पेपर ही डलती है, बाकी और
आप रेड पेपर इसमें नहीं डाल सकते। और साथ में हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, जो कि ये एग के साथ जो वेजिटेबल फ्राई हुए हैं ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। और ये मेरे पास है 2 कप के करीब बॉइल्ड राइस, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये हम इसमें डाल सकते हैं, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। वेजिस के साथ कितना ज़बरदस्त जो है वो राइस का कलर, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो जाएगा इसमें सोया सॉस, क्योंकि सोया सॉस की जो है वो इस रेसिपी की जान है। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे राइस हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। तो इनको सर्व करेंगे, अभी इनको थोड़ा सा हम दम पे रखते हैं और फिर इनको सर्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।